रहे हैं जालौन मेट्रो जनपद की आवाज। जालौन मेट्रो से मैं स्वरा तिवारी। जालौन जनपद के कालपी से बड़ी खबर। महज चंद घंटों में पुलिस अधीक्षक जिला जालौन डॉक्टर दुर्गेश कुमार के नेतृत्व में कालपी कोतवाली प्रभारी नागेंद्र पाठक को मिली बड़ी सफलता। आप सभी को अवगत करा दूं, कल दिन सोमवार सुबह राहगीरों ने कालपी कोतवाली प्रभारी नागेंद्र पाठक को एक सूचना दी, जिसमें उन्होंने बताया कदौरा जोलहुपुर मार्ग पर ग्राम लमसर के समीप घटोई बाबा स्थान के करीब एक अज्ञात शव मिला। देर न लगाते हुए कालपी कोतवाली प्रभारी नागेंद्र पाठक, क्षेत्राधिकारी डॉक्टर देवेंद्र पचौरी, ज्ञान भारती चौकी इंचार्ज जितेंद्र सिंह ने अपने आला अधिकारियों को सूचना दी। मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक जालौन प्रदीप कुमार घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंचे और सभी बिंदुओं पर जांच की और एसओजी सर्विलांस टीम को एक्टिव किया। महज चार घंटे में अज्ञात शव की पहचान कर ली गई, जो कि कृष्णा मिश्रा पुत्र गोपाल मिश्रा उम्र 25 वर्ष निवासी मुंबई का रहने वाला था, जो कुछ महीनों से जिला जालौन आया हुआ था। वह तरह तरह के नशे का आदि था। यही इसकी जान पहचान गुल्लन उर्फ प्रशांत पुत्र अवधेश सिंह, जो कि ग्राम गरही थाना कदौरा निवासी से हुई। नशे से बनी जान पहचान गहरी हुई और कृष्णा मिश्रा अवधेश सिंह के साथ में उसके गांव में रहने लगा और उसके लिए उसका घर का काम करने लगा। 13 तारीख दिन रविवार को खाना बनाने के पश्चात दोनों ने नशे का सेवन किया। उसके पश्चात कहां सुनी होने पर गुल्लन उर्फ प्रशांत उम्र 34 पुत्र अवधेश सिंह ने उसका दीवार पर सर पटक दिया, जिससे उसके सर पर गंभीर चोटें आई। उसके तत्पश्चात कृष्णा मिश्रा की मृत्यु हो गई। महज चार घंटे में हत्यारे को पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार के नेतृत्व में कालपी कोतवाली प्रभारी नागेंद्र पाठक ने उसके निज ग्राम, उसके पिता व उसके परिवार की मौजूदगी में हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। शानदार पुलिसिंग का नजारा देखने को मिला कालपी जालौन पुलिस द्वारा। आरोपी को सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज करके जेल भेज दिया गया है। देखिए पूरी खबर विस्तार से तहसील संवाददाता जालौन मेट्रो प्रशांत शुक्ला के साथ। नमस्कार, मैं तहसील संवाददाता जालौन मेट्रो प्रशांत शुक्ला। जैसा कि आप सबको अवगत होगा, कल सुबह लमसर के समीप रैड़ जाने वाली रोड पर, कदौरा मार्ग पर घटोई बाबा स्थान के समीप एक अज्ञात शव मिला था। उसकी शिनाख्त हो चुकी है और मैं आपको बता दूं, महज चंद घंटों में जालौन पुलिस अधीक्षक दुर्गेश कुमार, डॉक्टर दुर्गेश कुमार के नेतृत्व में कोतवाली प्रभारी नागेंद्र पाठक व एसओजी टीम प्रभारी व इंटेलिजेंस फॉरेंसिक क्षेत्राधिकारी कालपी डॉक्टर देवन पचौरी को मिली बड़ी सफलता। महज चंद घंटों में, मैं आपको बता दूं, सब की शिनाख्त हो चुकी है। क्रमवार में बताता हूं, जैसा कि आप सबको अवगत होगा, कल दिन सोमवार सुबह ग्रामीणों के द्वारा सूचना दी गई कालपी कोतवाली पुलिस को कि एक शव जिसकी पहचान नहीं हो पा रही है, वो घटोई बाबा समीप जो कि रैड़ जाने वाली रोड पे लमसर के समीप पड़ता है, वहां पे एक अज्ञात शव की लाश मिली है जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष बताई जा रही थी। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार, कालपी कोतवाली प्रभारी नागेंद्र पाठक, क्षेत्राधिकारी कालपी डॉक्टर देवेंद्र पचौरी आनंद फानंद में वहां पहुंचे, फॉरेंसिक को बुलाया, एसओजी एक्टिव हुई। और मैं आपको बता दूं, जो नेतृत्व होता है, नेतृत्व बहुत शानदार रह रहा है कुछ महीनों से। जैसा कि आप सुन रहे होंगे, यहां की बेस्ट पुलिसिंग चल रही है जिला जालौन की। ऐसा मैं नहीं, आप देख रहे होंगे मीडिया के माध्यम से, डॉक्टर दुर्गेश कुमार जो कि पुलिस अधीक्षक हैं, शानदार बेस्ट पुलिसिंग कह सकते हैं हम लोग। मैं आपको बताता हूं पूरा विवरण मृतक का नाम कृष्णा मिश्रा था। ये मुंबई का रहने वाला था। इसकी हत्या, ये काफी नशेड़ी प्रवृत्ति का था। इसकी मुलाकात ये कई दो ढाई महीनों से और या काफी दिनों से यहाँ उरई आ गया था। इसी दौरान नशे में ही मुलाकात हुई प्रशांत उर्फ गुल्लन पुत्र अवधेश सिंह निवासी ग्राम गरही थाना कदौरा। 13 तारीख की बात, ये इसका खाना भी बनाता था कृष्णा मिश्रा, गुल्लन उर्फ प्रशांत का जो पुत्र अवधेश सिंह है, जो कि आरोपित है। मैं आपको बता दूं,
उसी दौरान नशे में ही इसको कुछ नहीं सूझा, कुछ बहस हुई किसी चीज को लेके, तो इस व्यक्ति ने जो प्रशांत उर्फ गुल्लम सिंह है, इस व्यक्ति ने इसका सर दीवार पे पीटा और उसी दौरान उसकी 4 मल्टीपल या हल्की गंभीर चोटें या आप बता सकते हैं सर पे आई, उसके दौरान उसकी मौत हो गई। फिर उसने क्या किया, क्योंकि वो दोपहर का वक्त था, शाम को देर रात्रि इसने मैं कंबल के उसको लपेटा और जो खटिया की निवाड़ी होती है, रस्सी होती है, उससे उस सब को बांधा और अपनी बजाज CD-100 मोटरसाइकिल से ये पहुंचा उसी स्थान पे जहां पे मिली। ये इसको नाले में फेंकने जा रहा था लेकिन ये उसकी नाला में नहीं फेंक पाया और रस्सी काटने की भी कोशिश की, वहां पे भी ब्लड के सैंपल मिले फॉरेंसिक को और कमरे में भी, गर्रही में भी जहां पे ये दोनों थे वहां पे भी सैंपल मिले। फिर मैं बता दूं आपको, SOG एक्टिवेट हुई, कालपी कोतवाली पुलिस एक्टिवेट हुई, नागेंद्र पाठक जो कि नाम चर्चा में रहता है कालपी कोतवाल, वो एक्टिवेट हुए, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे। नदी गांव विकास खंड के ग्राम